दयाल जी महाराज की वाणी जी में बताते हैं कि एक वेश्या थी, वो रोजाना एक तोता पाल लिया और तोता को सुबह सुबह खाने को देती तो तोते को बोलती राम राम बोलो, राम राम बोल राम, तोता राम राम बोलता और वो भी राम राम की आदत पड़ गई। राम राम करने की ऐसी आदत पड़ी पूछो मत आप। एक दिन क्या हुआ, पिंजरे में से तोता तो उड़ गया और तोते की जगह सांप बैठ गया अंधेरे में। तोता तो रात को उड़ गया, पिंजरा खुला रह गया और तोते की जगह नाग उस पिंजरे में बैठ गया। और वह सुबह सुबह रोजाना के नियम के अनुसार तोते को खाने की सामग्री देने के लिए पिंजरे में जो ही हाथ डाला कि सांप डस गया उसको। और जो ही सांप डसा तो उसका बोलना हुआ, अरे डस, अरे चोंच क्यों मारता है बेटा, राम राम बोल, राम राम बोल। ऐसे दो बार राम जी के नाम का शब्द लिया और उस गणिका का जो है प्राण निकल गया। प्राण निकलते ही सीधे भगवान के धाम में गई, क्योंकि वो भगवान का नाम लिया मरते समय। आदत ऐसी बना लो कि हम मरते समय भगवान का स्मरण करें, भगवान को याद करें, भगवान की स्मृति बनी रहें, परमात्मा से यही प्रार्थना करें, तो अंत समय में भगवान के नाम का स्मरण हो जावे। यही हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ हमारे को आप मरते समय याद रहें। लेकिन ये रहेगा कैसे, अभ्यास करने से।